मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अक्षय है और मैं आप सब लोगों का द राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में कुछ ऐसी बातों के बारे में मैं बताऊंगा, शेयर करूंगा आपसे। मुझसे काफ़ी व्यूअर्स ने बोला है कि उनका जो हिबिस्कस का प्लांट है वो मर रहा है, तो मैंने जब उनसे फोटोग्राफ मांगी तो उनका जो प्लांट था उसमें बस थोड़ा सा साइन स्ट्रेस के साइंस थे, लेकिन उनका जो प्लांट था वो बिल्कुल हेल्दी था। और उस थोड़े बहुत स्ट्रेस के साइंस की वजह से उन्होंने अपना हिबिस्कस का जो प्लांट है वो फेंक दिया या उखाड़ लिया। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए फ्रेंड्स। कभी कभी क्या होता है कि हमारे प्लांट में कुछ रीजंस की वजह से थोड़ा स्ट्रेस आ जाता है, और स्ट्रेस से क्या होता है कि कभी कभी प्लांट अपनी लीव्स को झाड़ना शुरू कर देता है या बर्ड्स को गिराना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका प्लांट मर रहा है, ये सिर्फ यही इंडिकेशन होती है कि थोड़ा सा स्ट्रेस है, थोड़ी सी दिक्कत में आपका प्लांट, जो ठीक कर सकते हैं हम आपके प्लांट को। तो वही कुछ टिप्स मैं फॉलो करूंगा इसमें, तो प्लीज पूरी वीडियो देखिए। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलरली ऐसे ही प्लांट अपडेट्स मिलते रहें। फ्रेंड्स, हिबिस्कस का जो प्लांट है, अगर कभी भी किसी भी तरीके के स्ट्रेस में होगा तो दो बहुत कॉमन चीज़ें करता है अपने में। वो होता है कि अपनी लीव्स को येलो करके गिराना शुरू कर देता है, या अपनी जो बर्ड्स हैं, जो आप बर्ड्स देख रहे हैं इतनी सारी, वो ड्रॉप होना शुरू हो जाती हैं। वो इसलिए होता है फ्रेंड्स, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी जो इन चीज़ों में लगती है, बर्ड फॉर्मेशन में और लीफ को मेंटेन करने में, तो वो प्लांट जो है जिंदा रहने के लिए वो सब चीज़ें गिरा देता है ताकि वो सर्वाइव कर सके। लीव्स येलो जो होती हैं वो किसी तरीके के स्ट्रेस से होती हैं। एनवायरमेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो सकती है, या वाटरिंग या सनलाइट की कमी की वजह से भी ये सब हो सकता है। तो इन चीज़ों को आप ठीक करिए, आपका जो शेड्यूल है उसको ठीक करिए। अगर आप अपने प्लांट में एक वाटरिंग शेड्यूल नहीं बना पाए हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपका प्लांट वाटरिंग को कैसे रिएक्ट करता है, तो आप काम करिए उस पर और शेड्यूल बनाइए अपने प्लांट के लिए। इस प्लांट को तो जैसे मैं डेली वाटरिंग करता हूँ, डेली वाटरिंग मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि ये एक ऐसी लोकेशन पे रखा हुआ है जहाँ पे 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट धूप इस पे पड़ती है, तो इसकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो जाती हैं और वाटरिंग की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो जाती हैं। वाटरिंग, ओवर वाटरिंग नहीं हो पाती डेली वाटरिंग की वजह से, क्योंकि ये ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे सारा का सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाता है तेज धूप की वजह से, तो वाटरिंग इसको डेली चल जाती है। लेकिन सिर्फ मैं डेली वाटरिंग कर रहा हूँ अपने प्लांट में, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी अपने प्लांट में डेली वाटरिंग करें। आपको पहले समझना पड़ेगा कि आपका प्लांट वाटरिंग को किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर आप ज्यादा वाटरिंग करेंगे, डेली वाटरिंग करेंगे, तो क्या पता आपके प्लांट में ओवर वाटरिंग हो जाए, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन या रूट रॉट भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि लोकेशन भी हम ऐसी चूज कर लेते हैं जो प्लांट को पसंद नहीं आती और वो अपनी जो ग्रोथ है उसको गिराना शुरू कर देता है। तो इसको आप ऐसी लोकेशन पे रखिए जहाँ पे 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट पड़ती हो। लेकिन अगर जो दोपहर की तेज धूप होती है, जो कभी कभी हमारी लीव्स को झुलसा भी देती है, उससे अपने प्लांट को सेव करिए, बचा के रखिए, क्योंकि कभी कभी वो प्लांट को स्ट्रेस में डाल देता है और जिसकी वजह से जो लीव्स हैं वो येलो होना शुरू हो जाती हैं। बाकी चीजें होती हैं फ्रेंड्स, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जो प्राइमरी रेशो होता है न्यूट्रिशंस का, वो एनपीके होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। इन तीनों की चीजों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। नाइट्रोजन क्या करता है, वो हमारी लीफ को, जो प्लांट की लीफ है, उसको नेचुरल ग्रीन कलर देता है। ये देखिए आप कितनी ग्रीन है लीव्स, इसका मतलब इसमें नाइट्रोजन डेफिशिएंसी नहीं है। पोटेशियम क्या करता है, ओवरऑल जो प्लांट की हेल्थ है, जो उसका सेल स्ट्रक्चर है, उसको इम्प्रूव करता है, ताकि किसी भी तरीके का अगर इंसेक्ट का अटैक होता है या कोई भी एनवायरमेंटल स्ट्रेस होता है तो आपका प्लांट वो झेल जाता है, अगर उसको पोटेशियम टाइम से मिलता रहे। फॉस्फोरस क्या करता है फ्रेंड्स, किसी भी तरीके की बर्ड्स और फ्लावर फॉर्मेशन में काम आता है। ये देखिए कितनी सारी बर्ड्स इसमें आई हुई हैं, 4-5 बर्ड्स इसमें आई हुई हैं और 4-5 बर्ड्स इसमें भी आई हुई हैं, काफ़ी सारी बर्ड्स आई हुई हैं। यह इसलिए हो रहा है फ्रेंड्स क्योंकि इसमें कोई भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी इसलिए नहीं है, क्योंकि मैंने इसका एक वाटरिंग और फर्टिलाइजेशन का शेड्यूल बनाया हुआ है जो मैं रेगुलरली इस प्लांट में फॉलो करता हूं, तभी इसमें कोई दिक्कत अभी तक नहीं है। और ऐसा ही आपने अपने पौधे के साथ भी करना है। अगर किसी भी तरीके का स्ट्रेस आपके प्लांट में आता है हिबिस्कस के, तो उसको फेंकना नहीं है, उसको ट्रीट करना है अपने प्लांट को। अगर किसी भी तरीके का फंगल इन्फेक्शन है, जैसे कि कभी कभी लीव्स में ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, या एफिड्स का अटैक हो जाता है जो बर्ड्स को ड्रॉप कर देते हैं, या मिली बग्स आ जाते हैं, व्हाइट कलर की एक फंगस लग जाती है, आपने क्या करना है, जब पॉटिंग मिक्स आप तैयार कर रहे हो अपने प्लांट के लिए, हिबिस्कस के लिए, तो उसमें थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर मिला देना है। और अगर ऑलरेडी आपने प्लांट लगा दिया है गमले में लाके, तो आप ऊपर से साइडों से फंजीसाइड पाउडर थोड़ा सा स्प्रे, थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं और फिर ऊपर से वाटरिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो फंगल इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएंगे आपके प्लांट में। अगर आप पेस्टिसाइड की बात करें, जो आप कीड़ों के अटैक को बचाना चाहते हैं अगर आपके प्लांट में, तो आप मेक श्योर करिए कि आपके प्लांट को टाइम से पोटेशियम मिल रहा है, क्योंकि पोटेशियम आपकी जो प्लांट की क्षमता बढ़ाता है इंसेक्ट्स के साथ लड़ने के लिए। और अगर उसको रेगुलरली पोटेशियम नहीं मिलेगा तो उस पर बहुत ज्यादा फिर इंसेक्ट्स का अटैक होगा, जिसकी वजह से आपका पौधा डैमेज हो सकता है। हिबिस्कस के प्लांट्स काफी हार्डी प्लांट्स होते हैं, इतनी जल्दी मरते नहीं है,
तो आप काफ़ी कुछ ट्राई करिए अपने प्लांट में, वो अच्छी तरीके से ग्रोथ फिर से करना शुरू कर देंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, कि इसमें आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल का स्प्रे आप कैसे कर सकते हैं, एक कॉन्सेंट्रेट आता है नीम ऑयल का, आप किसी भी प्लांट शॉप से ले सकते हैं या ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको। उसमें आपने क्या करना है, आपने नीम ऑयल का कॉन्सेंट्रेट 1 ml लेना है 1 लीटर पानी में, उसको डाइल्यूट करना है अच्छे से, और वो जो पानी होगा वो आप फॉलिएज पे भी स्प्रे कर सकते हैं या डायरेक्टली आप सॉइल में भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, किसी भी तरीके का इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा, कोई भी कीड़े आपके प्लांट को डैमेज नहीं करेंगे। तो सिर्फ आप अपने प्लांट में किसी स्ट्रेस को देख के घबराइए मत, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। जैसे मेरे चैनल पे बाकी वीडियोस भी हैं बिस्किस प्लांट की, आप वो भी देखिए और समझिए कि क्यों चीज़ें होती हैं बिस्किस प्लांट में। और इस वीडियो के बारे में अगर कोई भी सवाल है, कुछ भी कन्फ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। मैं आपको ये वीडियो ज़्यादा शेयर करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम फॉलो होती है, क्योंकि वो अपने प्लांट को फेंक देते हैं, उसको ट्रीट नहीं करते और कभी कभी काफ़ी मायूस हो जाते हैं कि उनका प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा, तो वो प्लांट को फेंक देते हैं और नर्सरी से नया प्लांट ले आते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, आप अपने प्लांट को ट्रीट करिए और उसको ठीक करने की कोशिश करिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, मैं फिर से बोल रहा हूँ करना ना भूलें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स, थैंक यू, गुड बाय।